मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से। तो हम तो अभी भी हसन अबार में है, तो मैंने अपना सेकंड व्लॉग भी शुरू कर लिया है। अभी लेट नाइट है, रात के तकरीबन 2 बज चुके हैं और सर्दी इतनी ज़्यादा होती है ना यहाँ पर, तो मैंने कहा आपके साथ आगे की वीडियो रूटीन है वो सारी यहाँ की शेयर करती हूँ कि अभी हम लोग यहाँ किस तरह डिसाइड रात यहाँ स्टे करेंगे। कल का दिन है, अभी कल दोपहर में हम अपने घर के लिए रवाना होंगे। कल की कल बैसाखी है, तो अभी इंडिया से हिंदुस्तान से कोई 3,000 यात्री आए हैं, तो बहुत सारे थे। मैंने उस टाइम अपना व्लॉग अपलोड पर लगाया था, नहीं तो मैं उन सबकी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। ये मैंने कहा चले आप लोगों के साथ सारी दोबारा से सारी वीडियो आ चुकी, जो नाइट की हमारी रूटीन है वो भी सब यहाँ की शेयर करूँगी। तो अभी 3:30 का टाइम है, अभी हम लोग रेडी हुए, फ्रेश वगैरह हुए हैं, तो बस अभी जैसे थोड़ा सा रोशनी होती है तो फिर भी पहाड़ी पे बाजारत के दर्शन करके आएंगे। तो बस सारी रात ऐसे ही गुजर गई, सब लोग ये देखे इधर भी सोए हुए, कुछ इधर सोए हैं, बेखबर सो रहे हैं, हम लोग बैठ के गुजारी, हम लोग गपशप करते करते रात गुजर गई, पता भी नहीं चला। बस आई रात घूमते फिरते एंजॉय करते, मैं रात गुजर गई, रात का पता ही नहीं चला। हर सारी चीज़ होता है कि हम लोग आते हैं घूमते फिरते इबादत करते हैं, फिर रात का पता ही नहीं चलता। बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं। तो बस अभी थोड़ा सा रोशनी हो गया, फिर नाश्ता वगैरह करके फिर हम पहुँचाएंगे। मैं अगर गई तो मैं, नहीं तो बच्चे जाएंगे तो आपको सब वीडियो शेयर करेंगे। अभी आ गए हैं शाम वगैरह करके, तभी हम लोग पंजाब भी लाने आए हैं। हम लोग को जब कल मैंने मिला है तो मैं कह रही थी मैं इनके साथ आई हूँ। ये भी जा रहे हैं, कितनी खामोशी है सुबह के, अभी 4 बजे का टाइम है। हिंदुस्तान से आए हुए हैं, हम लोग द्वारे में जा रहे हैं। खूबसूरत सजाया है, अभी अरदास हो रही है सुबह की। द्वारे के अंदर के दर्शन, अंदर से हम लोग आ गए हैं बाहर, आपको इधर से भी दिखा देती हूँ। सारा सजा ये है जहाँ पंजाबी ला के हम लोग आए थे। सारी आपको पिछली साइड के भी हम दिखा देती हूँ। खड़े हुए साथ मेरे आए बच्चे भी उधर ही हैं, मैंने कहा हम लोग होकर आ जाते फिर आप दोनों आ जाने बहन भाई। सभी हम लोग पहाड़ी पे चढ़ने का हमने आगाज कर लिया है यहाँ से, सुबह सुबह का टाइम ने का देखें, जल्दी जल्दी हम लोग अभी ऊपर की साइड पे जा रहे हैं, स्टार्ट किए हम लोगों ने यहाँ से। जी तो व्यूअर्स, अभी हम जो है इस टाइम पे सुबह के 5:50 हो गए और हम ऊपर कंधारी बाबा की ज़्यारत के लिए जो है वो निकल पड़े हैं। आप ये देख सकते हैं व्यू, अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी शुरुआत हुई है। और ये पीछे मेरे अम्मी और अब्बू भी आ रहे हैं, तो साथ साथ अभी आगे का भी आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये अभी ऊपर के कुछ मनाजिर हैं, खूबसूरत मनाजिर। सुबह 6 बजे के करीब टाइम हो रहा है, तो आप देख सकते हैं अभी हम ट्रैक की तरफ चल पड़े हैं और आगे के क्लिप्स आपके साथ फिर शेयर करता हूँ। जी तो व्यूअर्स, अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगाई है, थोड़ा स्टॉप किया, स्टे किया है। व्यूअर्स, अभी हम ऊपर बैठे हुए थे, स्टे कर रहे थे और सामने आप देख सकते हैं मम्मी और पापा दोनों आ रहे हैं,
बड़ी मुश्किल से अम्मी जो है वो भी चढ़ रही हैं, उनको थोड़ा सा सांस का भी इशू है, बट उनको क्रेडिट देते हैं कि उनकी हिम्मत है कि वो जो है ऊपर ज़ियारत के दर्शन के लिए जा रही हैं। तो व्यूअर्स अभी फाइनल ट्रेन है, पापा दोनों ने बड़ी मुश्किल से पार कर लिया है। इनके लिए तो मुश्किल है लेकिन मेरे लिए तो प्रॉब्लम है, अभी देखो आगे जा सकती हूँ कि नहीं। व्यूअर्स अभी हवा देखती थी, ठंडी चल रही है यहाँ पर, वो थक गई बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर बस थोड़ा सा और है। देखिए कितने सालों के बाद ये ऊपर चढ़ने की कोशिश की। मेरा बेटा जो है छोटा सा था, ये पहली दफा हम आए थे पहले, जब वहाँ छोटा सा था, साल दो साल का था, तो दो या तीन साल का था चढ़े थे, इनके साथ इनको लेकर दोबारा चढ़ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है लेकिन हिम्मत है, ऐसा ऐसा यहाँ तक पहुँच गए तो ऊपर भी पहुँच गए। तो व्यूअर्स ये अभी टॉप पे से देखें गुरुद्वारा जो है दिख रहा है, कितना छोटा सा लग रहा है क्योंकि हम बोट टॉप पे आ गए और साथ ही ये भी आ गए हैं जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मनाज़िर है, कितने खूबसूरत पहाड़ है, बस हम फाइनली तकरीबन पहुंच ही गए हैं। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये आपको ऊपर से मैं गुरुद्वारे के वंस अगेन मनाजिर दिखा रहा हूँ और फाइनली हम जो है कंधारी बाबा ज़ियारत पे पहुँच गए, तो अम्मी और पापा भी जो है वो दोनों तो पहुँच गए। मैंने हिम्मत कर ली और पापा ने हमें गेट है जहाँ से इन हो रहे हैं, हम लिए हाजिरी के लिए, और व्यू आपने देख लिया कितनी हाइट के ऊपर है ये, तो यहाँ पर आना हर एक इंसान के बस की बात नहीं है, हिम्मत देना भी खुदा की ज़ात है। आप लोगों की खातर में आई हूँ कि आप लोगों के साथ मैंने व्लॉग शेयर करना था कि मेरे प्यारे बहन भाई भी इतने खूबसूरत नज़ारों का एंजॉय कर सके। हिम्मत देना भी खुदा की ज़ात है, वरना इतना पुराना बहुत मुश्किल काम है। आप लोग सबको पता है कि मुझे थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम है, हमने यही सोचा कि चले अपने जो यूट्यूब की फैमिली है उसके साथ हम लोग ये चीज़ को शेयर करें कि हम कितनी बुलंदी पर चढ़े हैं, आए हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। एक दफ़ा मैं फिर जो मेरे सिख कम्युनिटी से बहन भाई मुझे देख रहे हैं देश परदेश से, आप सबको बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बैसाखी मुबारक हो। और फैमिली मेंबर्स जो हमारे हैं चैनल के माँ बहन से हमारे जितने भी बहन भाई है वो प्लीज़ हमारे चैनल को देखें, बहुत मुश्किल से हम ये वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो आपका मैं एडवांस में थैंक यू करूंगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें इसके ऊपर और सब्सक्राइब करें इसको। मेरी हालत इस वक्त ये व्यूअर्स को मैं वही दिखा रहा था, मैंने कहा देखें बादल जो है वो पहाड़ों के बिल्कुल साथ टच हो रहे हैं, कितना खूबसूरत मनाज़िर है। इसमें ना दिख रहे हो लेकिन हमें अपनी आंखों से वाज़े नजर आ रहा है कि पहाड़ों के अंदर जो है बादल आए हैं। दिखाएं गुरुद्वारा क्लोज करके, यहां से मैंने बिल्कुल दिखाया है, दिखाया है। अच्छा, यहां से बहुत छोटा सा गुरुद्वारा दिख रहा है जहां से हम लोग, ये सुबह के कितना खूबसूरत मनाज़िर है। अभी टाइम क्या हो रहा है देखिए, टाइम देखता हूँ मोबाइल में एक सेकंड के, रखे क्या टाइम है, अभी तक सूरज यहाँ पे तुलू नहीं हुआ है, 6:45 हो रहे हैं, सूरज तुलू नहीं हुआ, ये मेरी वजह से लेट हुए वरना तो ये आधे घंटे से पहले ऊपर आ जाते, मैं थोड़ा सा बैठ बैठ के आई हूँ, कोई नहीं, लेकिन शुक्र है कि मैं पहुंच गई हूं। आप ये देखिए कि जब मेरा बेटा 3 साल का था तो उस वक्त हम लोग यहाँ चढ़े थे दोनों मियाँ बीवी समेत, लेकिन लास्ट ईयर हम लोग बच्चों के साथ चढ़े थे, इसने हिम्मत छोड़ दी थी, ये नहीं चढ़े, इस दफा मैंने इनको घर से हिम्मत बना के लेकर आया था कि आपने चढ़ना है, कोशिश करनी है, तो वो कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, तो इन्होंने ठान ली थी कि मैं इस दफा चढ़ूंगी, आज आपके साथ सामने देख लेके ऊपर चार तक पहुँच गई है, आगे फिर हम आपके साथ आगे की चीज़ें शेयर करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये उन्हें कंधारी बाबा की ज़्यारत है, बहुत पुरानी, बहुत हम बचपन से यहाँ आ रहे थे, अभी मैं काफ़ी सालों बाद ऊपर आई, तो मेरे बहुत सुकून मिला है यहाँ आकर, जब हम आते थे तो ये कुछ नहीं था, बस सिर्फ बाबा जी की ज़्यारत थी और ये सारा अच्छा एरिया था, कुछ कुछ बना हुआ नहीं था। हाँ, ये बहुत कदीमी और पुरानी जो है कंधारी बाबा साहब की ज़्यारत है, जो कि बहुत हाइट पर, बहुत ऊँचाई पर है, और जब आप जीटी रोड से जाते हैं पिंडी की तरफ हसन आधार साहब गुजरते हैं, तो ये आपको जगह रोड पे से जीटी रोड पे से दिखती है, हमने कचरा आपके साथ शेयर करते बताते हैं, और जो मेरे मुस्लिम भाई है जो देखते हैं मतलब ज़्यारतों को, तो उनके लिए ये बात थी कि हम लोग यहाँ पर इतने दूर आए हैं आपको चाहते हैं चीज़ शेयर करने के लिए। ये तो व्यूअर्स ये लिखा है कंधारी बाबा की ज़्यारत है, ये देखिए कितना है, पर वो सामने जो है गुरुद्वारा, और इतनी ठंडी हवा चल रही ना, ये गुरुद्वारा है यहाँ पर।
ये भी वहाँ खड़े हैं, कुछ लोग भी साथ खड़े हुए। फाइनली हिम्मत करके मैं यहाँ पहुँची और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा जब छोटा सा था जब मैं आई थी और आज मैं हिम्मत करके यहाँ पहुँच गई। वो बिल्कुल चेंज हो गई है जगह, बिल्कुल चेंज। जब हम लोग आते थे तो ये स्टेप भी नहीं थे और जैसे पहाड़ पे चलते हैं ना उस तरह का रास्ता था, और जब हम भाग भाग के सबसे पहले ऊपर आते थे। लेकिन अब ये बहुत सहूलत कर दी कि छोटी छोटी सीढ़ियों के स्टेप बना दिए हैं और रास्ता भी अच्छा कर दिए, बहुत आसानी हो गई ऊपर आने के लिए। लेकिन फिर भी हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो बस आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। मुझे ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। देखा आप लोगों ने कितना खूबसूरत व्यू, बादल ऐसे जैसे नीचे आए हैं। हमारे बैग मतलब इस कैमरे के बैग पे जो है वो ज़्यादा है और हमने कर लिए यहाँ पे। उसके बाद ये एक छोटा सा लॉन बना हुआ है यहाँ पे, तो हमने कहा चलिए यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, शूट भी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये अभी हमने आप लोगों से शेयर किया है, आप लोग कैसे लगा, हवा इतनी ठंडी है ना, ये सही सर्दियों की हवा होती है ना। शॉल वगैरह मैं लेकर आई थी साथ, लेकिन जब चढ़ाई चढ़ के आना तो पसीने आ रहे थे। मतलब इतनी ऊपर इतनी हवा ऐसी लग रही है जैसे कराची शहर में लगती है हम लोगों को, ऐसी हवा यहाँ पर लग रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फूल है यहाँ। ये तो ये छोटा अश्विन है और ये देखें घास घास के ऊपर आए और इसकी गाल देखें इसे ज़बरदस्त रेड हुए हुए। हेलो करो घर वाले नीचे, ये सबसे पहले भाग भाग के ऊपर आए हैं, मैं प्यारा लग रहा है ना गोल में टोली। तो व्यूअर्स अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं और हल्की हल्की जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई है, तो बस आस्ता आस्ता होता रहे। जितने हमारे साथ आए थे अभी कुछ लोग ऊपर पहुंच गए हैं और बच्चे पहुंच गए हैं, अभी कुछ अभी हमें रास्ते में मिलेंगे सामने से, वो भी आ रहे हैं। कि हम लोगों ने ये कर लिया कि सुबह सुबह होके ऊपर से फारिग हो गए, अभी नीचे जाएंगे चाय वगैरह पियेंगे क्योंकि इतनी ठंडी। शॉल लेकर आए हैं साथ ही, देखें इनके पास शॉल वगैरह भी है सब कुछ, एक नहीं दो दो है ये। हाँ छतरी भी साथ लेकर आए हैं क्योंकि हमें पता था कि मौसम ने बताया हुआ था कि बारिश होगी सुबह ना, इसलिए हर चीज़ अपने साथ लेकर आए हैं। बस खैर खैरी से अब नीचे पहुँच जाए, हमारी हिम्मत तो है और इन जानवरों की भी देखें, हमें रास्ते में पहले भी मिले थे और अभी भी ऊपर तक जाएंगी। और वो देखे और ये भाई हमारे जीजा हमारे पप्पे भाई जो ये देखे, मैं करीब करके दिखाता हूँ, ये ऊपर बैठे हुए वहीं से हमें इशारा कर रहे हैं, तो ये अभी जा रहे हैं ऊपर की तरफ और हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये पश्तो बोल रहे थे। नुम से दे जकरिया सुस्ता हैं सुस्ता जी, ये यहाँ रहते हैं देखें पहाड़ों में रहते हैं। तो बस अभी हम पहुँचने वाले, थोड़ा सा ही रहेंगे। एमन, वाओ कितना प्यारा नाम। दसो का हाय बाय बाय वटो का। दसो का ना इसके बाल देखें कितने प्यारे हैं, ये देखें जैसे स्टिकिंग कराई हुई है। ये देखिए सारे बैठे जब हमारे तो मैं देख के कह रहे हैं कि आप लोग इंडिया से आए हो, मैंने कहा नहीं भाई हम पाकिस्तान से ही हैं, हम पाकिस्तान के साथ साथ पिशावर से, पिशावर से भी है। मंग भी पख्तून दे आओ का ना, आओ का ना सकम जी बाजोर बाजोर मंग पेखोर दे आगा पहाड़ आगा वाला मार्बल वाला पहाड़ ना देर भी का ना। तो व्यूअर्स ये देखें अब कितनी ज्यादा फिश आई है, ये कीड़े डाल रहे हैं भाई, ये देखें बहुत हैं इस पानी में, बहुत ज्यादा फिश है और ये ना कोई यहाँ से पकड़ते हैं। ये देखें जी ये भाई जो थे कीड़े डाल रहे थे तो मैंने उनसे डालने रही थी, मैंने डालने ऊपर भजन गा रहे हैं बाबा जी के। और इतनी प्यारी लगती है ना फिश, बहुत प्यारी, और जितने लोग यहाँ नहाते हैं ना किसी से टच कभी भी नहीं हुई आज तक। जितनी थकावट थी ऊपर से और आते थे हमने जल में अपना पैर रख ही है, तो हमारी सारी थकावट जो है ना वो दूर हो गई है और एक सुकून सा मिला है।
इतना सुकून मिल रहा है ना अभी जब हम जैसे मैं आई मैंने मुंह धोया और मैं जाती पानी में ना थोड़ी देर रुकी और दुआ करी है तो इतनी सुकून मिल गया हम लोगों को और जैसे थकावट जो है ना सारी दूर हो गई है। जी तो व्यूअर्स अभी हम लोग लंच करने लगे हैं क्योंकि हमने उसका नाश्ता नहीं किया था, हमने कभी आके थोड़ा सा नाश्ता मजे हमारा नाश्ता ही है ये अभी। और उनका जो अचार होता है ना वो बहुत ही मज़े का होता है, सब्जी है चावल है साथ और यहाँ सब लोग लंगर के लिए बैठे हुए। जी व्यूअर्स ये इंडिया से यात्री आए अपने साथ झंडे और चढ़ावा जो लेकर आते हैं जत्थे के साथ जो आते हैं ना सारे जी। तो व्यूअर्स ये अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए हैं, ये आए हैं इंडिया पंजाब पटियाला से। तो मेरा नाम पुखराज है जी, पुखराज राणा। और कैसा लगा आपको यहाँ? इतना अच्छा लग रहा ना, इतना अच्छा, रात से जब से आया हूँ पहले तो वो अरदास हो रही थी, इतना अच्छा लगा। और जब से ये भैया आए हैं मैं कहता कि जैसे ईद नहीं आ गई होती, ऐसा लग रहा है जैसे ईद आ गई होती। कोई कमी तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और ये इनके जो है पीछे पापा है और ये साथ बैठे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। तो व्यूअर्स अभी बस हमारी वापसी हो रही है, अब हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी सी अभी धूप निकली थी, कभी बारिश हो रही है कभी धूप निकली है, तो अभी हम लोग आते हैं। हमारी वापसी हो रही है और अभी भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये देखिए, क्योंकि अभी तो आज बैसाखी है, तभी एक दो दिन यहाँ पर और तरह मेला लगा रहेगा। तो बस अभी हम बस में बैठ गए हैं और शहर की तरफ निकलेंगे, ये भी आ गए आस्ते आस्ते सब। जी तो व्यूअर्स अभी हमारी वापसी की रवानगी हो गई है और वो आपको सामने जो है वो ज़्यारत देख सकती है अभी तरफ, ये देखें। तो हम इधर गए थे और हमारी वापसी हो गई है और आज की वीडियो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो व्यूअर्स हम लोग पहुंच गए थे और पहुंचने 3:30 बजे हम घर आ गए थे अपने टाइम से, बस आके थोड़ा सा रेस्ट किया, पानी मेरा भरा, फिर अभी मैंने चाय बनाई क्योंकि गैस हमारी बिल्कुल नहीं आ रही थी, अभी आई है फटाफट, तो मैंने चाय बनाई है और साथ मैंने कहा हल्की फुल्की भूख लग रही थी तो साथ मैंने मठिया, आटा मेरा गूंदा पड़ा हुआ था मैदा, तो मैंने जल्दी से मठिया बना ली, मैंने कहा चाय के साथ ये खाते हैं। और खाना मैं बना के गई थी तो वो पड़ा हुआ है और आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर की, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपने फुल वॉच जरूर करनी है। और जो नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर कल आपसे मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।